आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर हो रही है उसका मेन रीजन क्या है, यहूदीज कौन है, अलस्का मस्जिद क्या है, ईसा मसीह का जन्म क्या हुआ, गाजा पट्टी क्या है, इन सब बातों के बारे में हम समझेंगे। देखिए, मिडल ईस्ट के पार्ट है दोनों ही, फिलिस्तीन और इसराइल दोनों ही मिडल ईस्ट के पार्ट है। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल कभी भी अस्तित्व में था नहीं 1947 से पहले। इसराइल को अस्तित्व में लेके आने वाले अंग्रेज हैं। अंग्रेज जहां जहां गए इन्होंने अपने जहां जहां इन्होंने राज किया और छोड़ा वहां पर इन्होंने एक डिस्प्यूट लास्ट में पैदा करके छोड़ा, जिससे कि फ्यूचर में इनकी नीड बनी रहे। इन्होंने इंडिया पे राज किया, भारत पे, और भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन करके कश्मीर का एक मुद्दा बना के छोड़ दिया। वो तो मोदी जी है और उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया। वैसे ही इन्होंने यहां पर इसराइल और फिलिस्तीन का भी एक डिस्प्यूट पैदा करके छोड़ा। अगर आप ग्रीन मैप देख पा रहे हो, इधर फर्स्ट मैप के अंदर 1946 की इमेज है, ये फिलिस्तीन है, जो ग्रीन कलर है ये फिलिस्तीन है। यहाँ पर यहूदीज रहते जरूर थे पर यहूदीज की सेपरेट कंट्री नहीं थी। 1947 में इन्होंने यूएनओ नाम का एक मुखौटा बनाया और एक डिवाइडेशन कर दिया, और इसराइल को इन्होंने एरिया पार्टीशन को, तो यहूदीज को प्रॉपरली एरिया दे दिया 44% का, 48% का इन्होंने फिलिस्तीन को दे दिया, और 8% का यूएनओ ने बोला कि ये एरिया हम रखेंगे। और 8% का एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, ये था जेरूसलम, जेरूसलम जिसके लिए आज लड़ाई हो रही है, बताता हूं मैं क्यों हो रही है। फिर समय के साथ कुछ लड़ाइयां और हुई इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और इसराइल जो था हमेशा उकसाता था फिलिस्तीन को और हमेशा उनको मारता पीटता था, मार पीट करके उसकी जमीन को कब्जा लेता था। फिलिस्तीन अपने ही देश में पिटाई खाते थे, और अगर आप डॉटेड लाइंस देख पा रहे हो तो ये एरिया, ये सारे एरिया जो है, जो पहले फिलिस्तीन होता था, ये इसराइल ने सारा कब्जा कर लिया यहाँ पर। और धीरे धीरे और लड़ाइयां हुई 1947, और आज की डेट में फिलिस्तीन ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है इतने में सिमट गया, और ये गाजा पट्टी, ये फिलिस्तीन का एरिया इतना सा बचा। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि इसराइल ने जब जब जीता इनका एरिया, इसराइल ने इनके ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगाते गया और बोला कि ना आप एयरफोर्स रखोगे, ना आप नेवी रखोगे, ना परमाणु बनाओगे, ना किसी तरीके के हथियार रखोगे, कुछ भी नहीं रखोगे। तो ये लड़ाई करने आते थे, इनके पास पत्थर होते, पत्थर से मारते थे, इसराइल इधर से बम पटाके छोड़ देता था और वो उनकी जमीन को कब्जा लेता था। इसराइल हमेशा उकसाता है और फिर सामने से जाके इनकी जब जब लड़ाई हुई तो जमीन को कब्जा लेता है। अब ये लड़ते किस वजह से? ये लड़ते हैं जेरूसलम की वजह से। जेरूसलम जो एक पवित्र स्थल है तीन धर्मों के लिए, किस किस के लिए? ईसाई के लिए, यहूदीज के लिए और मुसलमानों के लिए। ईसाई कहते हैं कि सर यहां पर हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहूदीज कहते हैं हम तो मूल निवासी है यहाँ के, तो ये तो जमीन हमारी ही होती है। और मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान जो है उनके यहाँ पर तीन पवित्र स्थल है, मक्का, मदीना और अलस्का मस्जिद। अलस्का मस्जिद जो है यहीं पर सिचुएटेड है, मुसलमान कहते हैं ये हमारी। तो बेसिकली जो वॉर है वो इस तीन लोगों के धर्म स्थल की जो है इसकी वॉर चल रही है यहाँ पर। 14 मई 1948 को इसराइल का जन्म हुआ, आप कह सकते हो इसराइल को एक सर्टिफाइड जगह बनाया गया था। और तब से लेके अब तक इसराइल युद्ध ही देख रहा है। 1947 में आजाद होते उन्होंने जैसे इंडिया ने युद्ध किया, वैसे इसराइल ने सबसे पहला युद्ध किया था। बट सवाल आता है कि ये जो एरिया है वेस्ट बैंक का एरिया जो है, यहां से तो कभी भी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि ये जो एरिया अगर आप देखेंगे यहां से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी वो एरिया है जो बेसिकली तीन जगह से, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से इसराइल की लैंड है, और इधर से इजिप्त है जो मिस्र है। हथियार इसको कहां से आते हैं? हथियार आते हैं मिस्र के रास्ते से, ईरान इनको हेल्प करता है, यहां से हथियार आते हैं। नाउ ये यहां से यहां पर रॉकेट छोड़ते हैं, इनके पास बहुत भारी भरकम है, रॉकेट्स तो नहीं है, क्योंकि हमास यहां पर एक आतंकी संगठन जो इसराइल कहता है आतंकी संगठन है, वो यहां से लड़ाई करता है। फिलीपींस जो है फिलिस्तीन वाले हैं वो लड़ाई नहीं करते हैं, ये हमास के जो आतंकी संगठन है वो यहां से लड़ाई करता है, यहां बॉम्ब पटाखे छोड़ता है। थोड़े बहुत बॉम्ब होते हैं, इकोनॉमिकली लॉस जरूर होता है इसराइल को, बट बहुत ज्यादा लॉस इसराइल को हो नहीं सकता है। इसराइल एक रिच कंट्री है ऐसा, एज कम्पेयर टू अदर दीज नियर बाई कंट्रीज अगर इसराइल को देखा जाए। बट यहाँ पर जो सिविलियंस के ऊपर ये जो बम छोड़ देते हैं, उनसे सिविलियंस को जो जान माल के नुकसान होता है वो एक भारी नुकसान हो जाता है इसराइल का। तो बेसिकली जो लड़ाई है यरूशलम की लड़ाई है। यरूशलम जो है तीन धर्मों का एक इंपॉर्टेंट पवित्र स्थल है। उस धर्म को हर तीनों धर्म कहते हैं ये हमारा है, इसराइल कहते हैं ये हमारा है, मुस्लिम देश जो है आसपास वो कहते हैं हमारा है, और फिलिस्तीन कहता है हमारा तो है ही, सारा ही हमारा था, तुमने ये तो हमसे ले लिया। लड़ाई होती है, यूएनओ बीच में आता है, और यूएनओ जो है वहां पर बैठा कौन है? वहां पर बैठा है इंग्लैंड, और वो यहां पर हथियार सप्लाई करता रहता है, इस तरीके के बम पटाखे फोड़ता रहता है। ये कंप्लीट स्टोरी है।